नमस्कार, क्लास टेंथ मैथ्स में आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हल लेते हैं। माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। देखिए भाई, हमने x मीटर मान लिया और चौड़ाई y मीटर मान लिया। तो अब हमारे पास क्या है प्रश्नानुसार, देखिए शर्त फर्स्ट क्या है। शर्त फर्स्ट है हमारे पास बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई जो है x वास्तव में वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई में जब हम 4 मीटर जोड़ेंगे तब हमें लंबाई प्राप्त होगी। तो ये देखिए, इसे हम बना देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा लेते हैं शर्त सेकंड। क्या है शर्त सेकंड? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, किसका? आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। तो x धन y, देखिए पूरा परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये क्या है परिमाप है? देखिए x दो बार है और y दो बार है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्स 2x और y y मिलकर 2y, तो 2x प्लस 2y परिमाप है। जब हमें चाहिए क्या, अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा, तो परिमाप का आधा क्या हो जाएगा, x धन y कितना है, 36 मीटर है। ये हमारा हो जाता है इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए अब हमारे पास पहला समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण दिया हुआ है, अब हमें यह ज्ञात करना है बाग की विमाएं ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? आलेखी विधि से। तो हमारे पास समीकरण एक क्या है, समीकरण एक चलिए हम इसको ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स या वाई किसी को भी हम अकेला कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहां दिया हुआ है, हम एक्स को ही अकेला कर लेते हैं। ये देखिए एक्स बराबर वाई प्लस 4 है ना, तो ये हमारे पास, हमने एक्स को अकेला कर लिया। y के मान यदि हम पहले रखते जाते हैं तो x के मान हमें प्राप्त होते जाएंगे। तो देखिए, चूंकि हमने x को अकेला रखा है इसलिए हम y के मान रखते जाएंगे और x के मान हमें प्राप्त होते जाएंगे। y बराबर शून्य रखने पर, रख दिया y बराबर शून्य, तो x बराबर क्या हो जाएगा, शून्य प्लस 4 ये 4 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार y बराबर 1 रखने पर क्या होगा, x बराबर y बराबर 1 रख दीजिए तो x बराबर कितना हो गया, 5, और y बराबर 2 रखने पर 2 रख दीजिए क्या हो जाएगा, x बराबर, ये देखिए हम इसमें रखते जा रहे हैं, y बराबर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 धन 4 बराबर 6। x बराबर क्या क्या प्राप्त होते जा रहा है, देखिए y बराबर 0 रखने पर x बराबर 4, y बराबर 1 रखने पर x बराबर 5, और y बराबर 2 रखने पर x बराबर 6 प्राप्त हुआ। ये हमने पहले समीकरण के मान प्राप्त किए। इसी प्रकार क्या करेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x धन y बराबर 36, किसी एक का हम पक्षांतर कर देंगे। तो चलिए हम y का ही पक्षांतर कर देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 36 ऋण y, y के मान हम रखते जाएंगे, x के मान हमें प्राप्त होते जाएंगे। चूंकि 36 है इसलिए अब हमें थोड़े बड़े मान लेना है, तो कैसे ले लें, देखिए x बराबर y बराबर जैसे 20 रख दिए, 20 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 36 ऋण 20 बराबर क्या हो गया, 16। अब y बराबर 16 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 36 ऋण 16 बराबर 20,
और इसी तरह रख दीजिए, y बराबर 12 रखने पर हम 4 के गुणज में मान रखते जा रहे हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें भी बड़ा मान प्राप्त हो रहा है इसलिए हम 24 रख देते हैं, y बराबर 12 रख दो, 12 रखने पर क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 36 ऋण 12 बराबर 24 प्राप्त हो गया। देखिए बड़े बड़े मान प्राप्त हुए हैं समीकरण दो, कोई बात नहीं। अब हमने क्या रखा, x और y, तो y बराबर रखा 20, x बराबर प्राप्त हुआ 16, y बराबर रखा 16 तो x बराबर प्राप्त हुआ 20, और y बराबर फिर से रख दिया मैंने 12 तो x का मान क्या प्राप्त हुआ 24। इस तरह से हमें दोनों समीकरणों के मान प्राप्त हो गए। अब हम इन्हें आलेख पर दर्शा देंगे। चलिए आलेखीय निरूपण में हम ले लेते हैं समीकरण एक के मान। समीकरण एक में हमने लिया x बराबर 4, y बराबर 0। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमने पैमाना 4 का लिया है, तो पहला बिंदु देखिए x बराबर 4, y बराबर 0, ये हमें प्राप्त हो गया। दूसरा बिंदु x बराबर 5, y बराबर 1। 4 और 8 के बीच में हम ये देखिए 4 हिस्से कर देंगे, 5, 6, 7, 8, तो x बराबर 5 और y बराबर 1, ऐसे ही ये 1 से 4 के बीच में भी 4 हिस्से करेंगे, तो ये 5, 1 यहाँ प्राप्त हुआ बिंदु हमें। और तीसरा बिंदु है x बराबर 6, y बराबर 2। x बराबर फिर देखिए यहाँ पर आ गया 6 और y बराबर हमें प्राप्त हुआ ये 2। इस तरह से ये रेखा हमारी जा रही है, इस रेखा को हम तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए इस रेखा को खींच देंगे। ये पहले समीकरण की रेखा है, समीकरण एक की रेखा है, तो इसे हम लिख देंगे x बराबर y प्लस 4 की रेखा है, ठीक। अब हम देखिए दूसरे समीकरण की रेखा खींचेंगे, बराबर 20, x बराबर ले लिया हमने ये 16, y बराबर 4, 8, 12, 16 और ये आ गया हमारा 20। तो क्या हुआ ये बिंदु 16, 20। फिर दूसरा बिंदु है हमारा x बराबर 20, y बराबर 16, x बराबर 20, y बराबर 4, 8, 12, 16, ये आ गया हमारा दूसरा बिंदु। क्या है दूसरा बिंदु, x बराबर 20 और y बराबर 16। और तीसरा बिंदु है x बराबर 24 और y बराबर 12, x बराबर 24 और y बराबर 12, ये देखिए ये है हमारा तीसरा बिंदु 24, 12। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम समीकरण दो की रेखा खींच लेंगे। ये देखिए हमने समीकरण दो की रेखा खींच लिया। समीकरण दो वास्तव में क्या था, x प्लस y इज इक्वल टू 36। दोनों समीकरणों की रेखा हमने खींच लिया। अब इन दोनों समीकरणों की रेखाओं को हम मिला देंगे। ये देखिए इस पहले समीकरण की रेखा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो ये रेखा कहाँ पर मिल रही है, x बराबर 20 और y बराबर 16 पर मिल रही है। तो हम लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाएं खाएं बिंदु 20, 16 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल क्या होगा, एक अद्वितीय हल x बराबर 20 एवं y बराबर 16 होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा भाग की लंबाई x बराबर 20 मीटर और चौड़ाई y बराबर 16 मीटर है। प्रश्न क्रमांक 7 है, समीकरणों x ऋण y धन 1 बराबर 0 और 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, हमारे पास दो समीकरण हैं, कौन कौन से समीकरण हैं, x ऋण y धन 1 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 और दूसरा समीकरण है 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0। दोनों समीकरणों से प्राप्त
तीन तीन मान प्राप्त करके हम रेखाएं खींचेंगे। चलिए x और y यहाँ भी देख लेते हैं। दूसरा जो समीकरण है इससे भी हमें तीन मान प्राप्त करना है और रेखाएं खींचना है। चलिए पहला समीकरण लेते हैं, समीकरण एक से क्या हो जाएगा, x को हम यहाँ अकेला कर देते हैं तो x बराबर, या y को अकेला करना हो तो y को अकेला कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस y का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस y उस तरफ जाकर प्लस y हो गया और प्लस 1 उस तरफ जाकर माइनस 1 हो गया। ये है हमारा समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं हम इसे। अब समीकरण 3 में हम y के मान रखते जाएंगे, हम x के मान प्राप्त होते जाएंगे। जैसे y बराबर 1 रखने पर क्या हुआ, x बराबर 1 ऋण 1 बराबर 0, y बराबर 2 रखने पर क्या हुआ, x बराबर 2 ऋण 1 बराबर यहाँ भी 1 प्राप्त हो गया। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या रखा, y बराबर 1 रखा तो x बराबर 0 प्राप्त हुआ, y बराबर 2 रखा तो x बराबर 1 प्राप्त हुआ। अब हम y बराबर 3 रखते हैं, y बराबर 3 रखने पर क्या होगा, x बराबर यहाँ रख दीजिए 3 ऋण 1 बराबर कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। हमने समीकरण 1 में y के अलग अलग तीन मान रखा और x के अलग अलग तीन मान प्राप्त हो गए। अब इसी प्रकार देखिए समीकरण 2 में भी कर देते हैं, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 1 में तो हमने 3 रखने पर 2 आए, समीकरण 2 से देखिए y के मानों को हम अकेला कर देंगे, 2y को हमने अकेला कर दिया, ये 12 का पक्षांतर हो गया, ऋण 12 का जब पक्षांतर हुआ तो धन 12, और धन 3x का जब पक्षांतर हुआ तो ऋण 3x। आप इसमें से 3 को कॉमन ले सकते हैं तो 2y is equal to हो जाएगा 3, 3 चौ 12 ऋण 3 एकम 3, 3 जब हमने बाहर निकाला तो 4 माइनस एक्स हो गया। अब हम इस 2 का भी पक्षांतर कर देंगे, 3 इंटू 4 माइनस एक्स अपॉन 2। इस समीकरण 4 में ये देखिए ये कौन सा समीकरण प्राप्त हुआ, 4। हम यहाँ पर x के मान रखते जाएंगे और y के मान हमें प्राप्त होते जाएंगे। तो चलिए हम ऐसे मान रखें कि जो अंदर का भाग है उस 2 से कटते रहे। x बराबर 0 रखने पर जब हम x का मान 0 रख देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 माइनस 0 अपॉन 2, 3 इंटू 4 अपॉन 2, 2 टू जा 4 कितना प्राप्त हुआ, 6। हमने रखा x बराबर 0 तो y बराबर हमें प्राप्त हुआ 6, x बराबर 2 रखने पर सम संख्याएं रखने से ये फायदे हैं कि ये आसानी से 2 से कट जाएगा, 2 रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर 3 इंटू 4 माइनस 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 2 और 2 से 2 कट गया तो बचा 3। तो यहाँ पर हो गया कि हमने क्या रखा, x बराबर 0 रखा पहले, फिर x बराबर 2 रख दिया तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ, 3। अब हम रख देते हैं x बराबर 4 रखने पर, जब हम x बराबर 4 रख देंगे तो यहाँ 4 में से 4 जाएगा, 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 4 अपॉन 2 और जब कट जाएगा तो 3 इंटू 0 अपॉन 2 और ये प्राप्त हुआ 0। तो y का मान क्या प्राप्त हुआ, 0, x का मान 4 रखने पर y का मान 0 प्राप्त हुआ। इन दोनों समीकरणों से प्राप्त मानों को अब हम आलेख पर प्रदर्शित करेंगे। अब इन दोनों समीकरणों से प्राप्त मानों को अब हम आलेख पर निरूपित करेंगे। तो देखिए पहले समीकरण से प्राप्त मान है x बराबर 0, y बराबर 1, x बराबर 0 मतलब चलना ही नहीं है, y बराबर 1, ये हमारा पहला बिंदु प्राप्त हुआ 0 1। दूसरा बिंदु है x बराबर 1, y बराबर 2, x बराबर ये देखिए मूल बिंदु से चलना शुरू किया, x बराबर 1 और y बराबर 2, ये प्राप्त हुआ हमें दूसरा बिंदु 1 2। फिर तीसरा बिंदु प्राप्त हुआ x बराबर 2, y बराबर 3, x बराबर 1 2 और y बराबर 1 2 3, ये हमें प्राप्त हुआ तीसरा बिंदु। तो इन तीनों बिंदुओं को 1 2 3, इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए ये हमने खींच दिया रेखा
यह रेखा है हमारे समीकरण एक की रेखा। इसी प्रकार अब दूसरे समीकरण की हम रेखा खींचते हैं, x बराबर शून्य, y बराबर 6, x बराबर फिर से नहीं चलना है हमें, y बराबर प्राप्त हुआ 1, 2, 3, 4, 5 और ये प्राप्त हुआ हमें 6, 0, 6। ये हमारा पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है x बराबर 2, y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 1, 2, 3, यही बिंदु पुनः आ गया, यानी यह कटान बिंदु है। फिर तीसरा बिंदु x बराबर 4 और y बराबर 0। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए पुनः अब हम समीकरण 2 की रेखा खींच देंगे। ये देखिए, इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए मैंने समीकरण 2 की रेखा खींच दिया और इस समीकरण 2 की रेखा, दोनों रेखाएं कहाँ पर काट रही हैं, बिंदु 2, 3 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2, 3 पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस प्रकार यहाँ पर अब जो भाग, त्रिभुजाकार भाग बनकर तैयार हुआ है, देखिए कौन सा त्रिभुजाकार भाग बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए इस बिंदु से यहाँ तक आए और दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष के बीच जो त्रिभुजाकार भाग बनकर तैयार हुआ है हमें उसे छायांकित करना है। तो चलिए हम छायांकित करते हैं इस भाग को, दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष के बीच बने छायांकित भाग, देखिए ये, देखिए ये हमने कर दिया है पूरे भाग को छायांकित। अब इस छायांकित भाग से बने त्रिभुज को हम नाम दे देते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर। तो लिख देंगे एक्स अक्ष एवं रेखाओं से घिरे त्रिभुज पी क्यू आर, घिरा त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर है। बिंदु पी के निर्देशांक क्या है, बिंदु पी के निर्देशांक देखिए 2, 3। बिंदु क्यू के निर्देशांक यहाँ लिख सकते हैं P, 2, 3। बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या है, बिंदु क्यू के निर्देशांक देखिए, ये देखिए -1 है, x बराबर -1, y बराबर 0, -1, 0। और बिंदु R के निर्देशांक, निर्देशांक बिंदु R, ये देखिए ये R है बिंदु, 4, 0 पर है, क्या लिख देंगे x बराबर 4, y बराबर 0 है। आज की क्लास यही समाप्त होती है, धन्यवाद।